bitch on my side of some movie. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट में। आज अपन संविधान सभा की जो समितियां हैं, जो बड़ी समितियां हैं और जो छोटी समितियां, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो संविधान सभा है वो संविधान के निर्माण संबंधी जो कार्य है वो अपनी समितियों के द्वारा करती है, तो इन समितियों के बारे में आज विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पर बात करेंगे समितियों की, यानी संविधान सभा संविधान के निर्माण संबंधित कार्य, निर्माण संबंधित कार्य यानी इन कार्यों को करने के लिए समितियों का निर्माण किया गया है, यानी समितियों का निर्माण किया गया है। और ये जो समितियां हैं उसमें कुल आठ बड़ी समितियां हैं, ठीक है। और कुछ छोटी समितियां हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो संविधान सभा है उस संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के संबंधी जो कार्य हैं उनको करने के लिए संविधान सभा की समितियों की नियुक्ति की गई है, यानी समितियों का निर्माण किया गया है। क्यों किया गया है? संविधान के निर्माण संबंधित कार्य को करने के लिए इन समितियों का निर्माण किया गया है। और जो संविधान सभा है उसकी कुल बड़ी आठ समितियां हैं, यानी जो बड़ी समितियां महत्वपूर्ण समितियां हैं वो आठ हैं, और कुछ छोटी समितियों की भी निर्माण किया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ सकता है, यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा तो यही बनेगा कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण संबंधित कार्यों को करने के लिए कुल कितनी बड़ी समितियों की निर्माण किया गया, यानी स्थापना की है, तो अपन को बताना। आठ कुल समितियां ऐसी है जो बड़ी समितियां हैं वो संविधान सभा ने निर्माण किया है, तो आठ समितियां हैं। अब इनका धीरे धीरे यानी विस्तार पूर्वक वर्णन कर लेते हैं आठ समितियों का। पहले आठ समितियों का वर्णन करेंगे और उसके बाद में अपन करेंगे छोटी समितियों की बात, ठीक है। तो जो पहली समिति है हमारे पास में वो है संघ शक्ति समिति, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष है, अध्यक्षों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, ठीक है। दूसरी जो समिति है हमारे पास में संघीय संविधान समिति, ठीक है। इस समिति का जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया है, ठीक है। तीसरी जो समिति है लिए समिति, इसका जो अध्यक्ष है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया है, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर दूंगा मैं यहां पर। जो चौथी समिति है हमारे पास में
चौथी समिति प्रांतीय संविधान समिति, इसका जो अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल, ठीक है। जो पांचवी समिति हमारे पास में वो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसकी इसका जो अध्यक्ष है, इस समिति का अध्यक्ष वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। तो ये दो समितियां हैं, इनका जो अध्यक्ष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। इसकी दो उप समितियां हैं, ये जो समिति है उसकी दो उप समितियां हैं, दो उप समिति, ठीक है, इसी में है दो उप समिति, दो उप समिति है, ठीक है। पहली जो उप समिति है इसमें मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, एक तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी जो समिति है इसी में वो है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। अब इनका जो अध्यक्ष है वो, इसका तो अध्यक्ष है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है इस उप समिति का, वो है जे बी, यानी जे बी कृपलानी, ठीक है। इनके अध्यक्ष हो गए, यानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक उप समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एच जे मुखर्जी, इनके, यानी यहां पर दिख नहीं रहा होगा, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं एक बारी और, कि ये जो पांच समितियां हैं, तीन समितियों की बात है ना, अपन इसको मिटाकर उसके बाद में करेंगे। तो पहली जो समिति है वो संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरी संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और जो तीसरी समिति है राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया है। तो यहाँ पर है ना, जो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जो तीन समितियां हैं उनके अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीन समितियां संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों की जो समितियों की जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है, यानी। और चौथी जो समिति है प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। जो पांचवी समिति है हमारे पास में, पांचवी समिति मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति, इसका जो अध्यक्ष है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यानी जो दो समितियां हैं उनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन कौन सी थी, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति, इन दोनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो ये जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति है, इसकी दो उप समितियां बांट दी गई, ठीक है। पहली जो उप समिति है वो मौलिक अधिकार उप समिति, इसका जो अध्यक्ष है वो जे बी कृपलानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाए कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अपन बताएंगे कि जे बी कृपलानी। दूसरी जो उप समिति है
वो है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो एच जे मुखर्जी हैं। तो अपन ने पांच, जो पांच बड़ी समितियां उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में अपन छठवीं जो उप समिति है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी समिति वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लेते हैं। छठी जो उप समिति है, सॉरी उप समिति नहीं समिति, ठीक है, इसमें है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ये इस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। सातवीं प्रक्रिया नियम समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो आठवीं लास्ट समिति है वो है संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनाया गया था इनको, राजेंद्र प्रसाद ही है, राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया था इसका। तो अपन ने आठ समितियों के बारे में डिस्कस कर लिया। जो छठी समिति है वो प्रारूप समिति है, ये वेरी इंपॉर्टेंट समिति मानी जा सकती है। डॉक्टर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। सातवीं समिति है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आठवीं जो है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो समितियों के जो अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद रहे, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ दो समितियां संविधान सभा द्वारा गठित दो समितियों के नाम बताओ जो जिनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो अपन बताना है प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है, और संचालन समिति। तो अपन ने आठ समितियों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन इसके बाद में छोटी समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आठ समितियां तो ये बड़ी समितियां थी, ठीक है। अब कुछ छोटी समितियां भी बनाई गई थी, पहली जो छोटी समितियां, छोटी समिति या, ठीक है, छोटी समितियों की बात करेंगे। कुछ पंद्रह जो छोटी समितियां थी, आठ सबसे बड़ी समितियां थी, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली समिति है वो है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, समिति इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष उस अध्यक्ष का नाम था जीवी मावलंकर, इसके अध्यक्ष थे इस समिति के। दूसरी जो समिति हमारे पास में वो है कार्य संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो के एम मुंशी को बनाया गया अध्यक्ष, ठीक है। दूसरी जो तीसरी समिति सदन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे
वो अध्यक्ष बने, पट्टा भी सीता रमैया ये इसके अध्यक्ष बने, और जो चौथी जो छोटी समिति थी, सॉरी चौथी जो छोटी यानी चौथी छोटी समिति थी वो थी राष्ट्र ध्वज तदर्थ सॉरी तदर्थ समिति। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चार छोटी समितियां थी यानी बहुत सारी समितियां हैं, यहाँ पर चार ही डिस्कस कर रहा हूं भी, तो कि जो पहली छोटी समिति थी वो संविधान के कार्य संबंधी शक्तियां यानी संविधान सभा के कार्यों को करने संबंधित समिति थी यानी संविधान सभा के कार्यों को करने वाली समिति, जिसका जो अध्यक्ष था वो जी वी मावलंकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी जो समिति है कार्य संचालन समिति यानी कार्य का संचालन करने वाली, उसका अध्यक्ष के एम मुंशी को बनाया गया। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया ठीक है। और जो चौथी समिति है राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो सकता है, आपको ये पूछ ले कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अपन को बताना है पट्टा बी सीतारमैया ठीक है। ऐसे बोले राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपन पूरी तरीके से बता देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण छोटी समितियां और हैं, चार समितियां हमने पहले देख ली और पांचवी जो समिति है हमारे पास में वित्त एवं कर्मचारी समिति यानी वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जो छठवीं छोटी समिति है वो हिंदी अनुवाद समिति यानी हिंदी अनुवाद समिति बनाई गई थी, और इसके अध्यक्ष का नाम किताबों में नहीं दे रखा है ठीक है। सातवीं जो छोटी समिति है उर्दू अनुवाद समिति भी छोटी समिति के अंतर्गत ही आती है, इसके अध्यक्ष का नाम भी नहीं दे रखा है ठीक है। आठवीं जो समिति है हमारे पास में प्रेस दीर्घा समिति, इसका अध्यक्ष भी नाम नहीं मिलता, नाम दे भी नहीं रखा है बुकों में, तो जो दे रखा है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर ठीक है। नवी जो समिति है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आकलन करने वाली समिति यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत में आया था उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। जो दसवीं जो छोटी समिति है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष हैं। तो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख अध्यक्ष हैं इसके। और जो ग्यारहवीं जो अपन के पास में ग्यारहवीं छोटी समिति है छोटी समिति भाषाई प्रांतों संबंधित आयोग, इसका भी अध्यक्ष का जो नाम है वो नहीं मिलता, जो मिलता है वो मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में सबसे अपन ने 8 बड़ी समितियां देख ली और 11 छोटी समितियां अपन ने देख ली। अब अपन